हम मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा के अटेली मंडी में, और अटेली मंडी की हम बातचीत करें तो यहाँ पे हम चुनाव के लिए लोकसभा के जो अभी चुनाव हुए हैं, प्रत्याशी दो के तो आपस में टक्कर है दो प्रत्याशियों के बीच में, और लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में वो चाहते क्या हैं, आखिर उनका रुझान किधर रहा है, और वोटों के लेके उनको क्या रुझान है और क्या कहना चाहते हैं वो। तो अटेली से तो धर्मवीर लीड करेगा जी। कितनी की लीड कर रहा है? कम से कम 20-30 हज़ार की। धर्मवीर का देखो, मैंने तो दिया धर्मवीर का, दूसरा ही बताऊंगा क्या। हमारे गांव में 70% वोट बीजेपी के। महेंद्रगढ़ में दान सिंह का और धर्मवीर जी का लगभग बराबर सा ही निकलेगा, लेकिन लुवारू और मैं घूमता रहता हूँ, मार्केटिंग का आदमी हूँ, और तुसाम और जूई कैरू साइड भारी बहुमत से जीतेगा धर्मवीर जी, तो ये सीट विनर बनेंगे धर्मवीर जी। कि अटेली से अच्छा रहा है बीजेपी का, और शहर में तो लगभग लगभग नारनौल लगा लीजिए, अटेली लगा लीजिए, नांगल चौधरी लगा लीजिए, इसमें तो बीजेपी का ही अच्छा रुझान है। हमारे गांव में तो बीजेपी के हैं जी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा के अटेली मंडी में, और अटेली मंडी की हम बातचीत करें तो यहाँ पे हम चुनाव के लिए लोकसभा के जो अभी चुनाव हुए हैं, प्रत्याशी दो के तो आपस में टक्कर है दो प्रत्याशियों के बीच में, पूरा बाजार यहाँ पे हमारे साथ तस्वीरें देख लीजिए, ये यहाँ पे चौफलिया बनता है, उधर चला जाता है दिल्ली रिवाड़ी की तरफ, इधर चला जाता है नांगल चौधरी नालनौर राजस्थान में, और ये सड़क जाता है कनीना, इधर से आगे निकल जाता है झज्जर की तरफ, और यहाँ बाजार के अंदर मौजूद हैं और लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में वो चाहते क्या हैं, आखिर उनका रुझान किधर रहा है, और वोटों के लेके उनको क्या रुझान है और क्या कहना चाहते हैं वो, क्योंकि समीकरण यहाँ से ही बन के निकलेंगे, अगर यहाँ से जिसकी जीत है वो जोहर कैसे है। और तो क्या चल रहा है चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? चुनाव तब तो होली है, पोलिंग होगी, सब पेटीएम बंद होगी, बहुत बढ़िया। अच्छा, चुनाव के लेकर जो बातचीत करें, यहाँ अटेली जो चाहेगी वो प्रत्याशी बनेगा, अब की बार पूरा धर्मधर अटेली विधानसभा क्षेत्र पे, तो अटेली से तो धर्मवीर लीड करेगा जी। कितनी की लीड कर रहा है? कम से कम 20-30 हज़ार की। 20-30 हज़ार की लीड? अच्छा, ये सारी एक ही गांव के लोग बैठे? हाँ जी, ये सैदपुर गांव की मंदिर कमेटी टीम है, मैं सरपंच हूँ। तो सैदपुर गांव की हम बातचीत करें जिस तरीके से, कितने आपके पोलिंग हुई है? मेरे गांव में 1633 वोट। कितने वोट हुए मेरे गांव में? आप मान के चलो सर, लगभग 1100 से 1200। सरपंच साहब 1100 से 1200 वोट बता रहे हैं, यानी कि 30-35 हज़ार की लीड मानते हैं जी? 25-30 की तो मिनिमम मान रहे हैं हम। चलो, थैंक यू सरपंच साहब बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सैदपुर के सरपंच खास बातचीत बने, हम बातचीत कर रहे हैं अटेली विधानसभा में, हम खुद मौजूद हैं प्रॉपर अटेली विधानसभा में, सर से बातचीत करेंगे। बोल्ट मोटरसाइकिल पर भागम भाग जा रहे हैं, कैसे रहा चुनाव? बढ़िया रहा जी, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल शांतिपूर्वक, एकदम शांतिपूर्वक। कौन से गाँव से आते हैं? ताजपुर से। ताजपुर, तो क्या लग रहा है ऑल ओवर, क्या लगता है आपके बार अटेली पे दारोमदार है, ये जिसके सर पे ताज पहनाएगी वो जीतेगा? सब ताज पहनाएगी वो जीतेगा, पक्का। इंद्रजीत की तरफ रुझान रहेगा या फिर? वहाँ वोट है 2000 करीब। अच्छा, कितनी पोलिंग मानी आपके आपके गांव? पोलिंग मैंने ध्यान नहीं किया कितना है, बाकी होगी 1800 करीब, तो 1800-2000 करीब वोट लगभग। अब तक हम 50 से 100 लोगों के बीच बात कर चुके हैं, सब ने 25-30-35 हज़ार की लीड बताई है धर्मवीर की। हाँ, धर्मवीर, धर्मवीर का देखो मैंने तो दिया है धर्मवीर का, दूसरा ही बताऊंगा क्या। कितनी लीड माने लगभग? हाँ तो है, इतना तो है। क्यों भाई साहब, क्या कहेंगे? हाँ है इतना तो, कोई यहाँ से लीड लेके निकले? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इंद्रजीत का कुछ प्रभाव रहा है? ना ना ना, वो नहीं है, वो नहीं है, ना राव इंद्रजीत का नहीं, अली मोदी का, बस मोदी का है, मोदी का फैक्टर। क्या कहेंगे भाई साहब, और कैसे हैं? बार आज गर्मी ज़्यादा है। कौन से गाँव से? मैं गागड़वास से हूँ, महेंद्रगढ़ के पास से। गागड़वास, ओके ओके, गागड़वास की बता दीजिए, यहाँ से तो फैक्टर कह रहे हैं कि धर्मवीर जी यहाँ से लीड लेके निकल रहे हैं, बाकी वहाँ क्या रहेगा? धर्मवीर लीड करेगा। अच्छा, आपके गांव में कितने लीड? हमारे गांव में 70% वोट बीजेपी के। अच्छा, वहाँ टोटल पोलिंग कितनी है? टोटल लगभग 900 के करीबन, छोटा गाँव है, 900 के करीबन पोलिंग है, उसमें से 70% वोट बीजेपी के। तो महेंद्रगढ़ में क्या मानते हो, क्या कितने? महेंद्रगढ़ में दान सिंह का और धर्मवीर जी का लगभग
बराबर सा ही निकलेगा, लेकिन लुवारू और मैं घूमता रहता हूँ, मार्केटिंग का आदमी हूँ, और तुसाम और जूई कैरू साइड भारी बहुमत से जीतेगा धर्मवीर जी, तो ये सीट विनर बनेंगे धर्मवीर जी। सही आकलन आपका, बहुत अच्छा आकलन लगाया है, आप घूमते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। कुछ लोग उधर खड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं, और ये तस्वीरों में दिखा दीजिए, पूरा माहौल ये अटेली मंडी का बना हुआ है, और यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, लगातार बातचीत करवा रहे हैं। ये बाइक के वाले भाई साहब हैं और सारे दिन बाइक को ठीक करते हैं, इनसे भी थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। और भाई भी बाइक ठीक करवाने हैं, बाइक ठीक करवाने आए, कहाँ से आए? अटेली से आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, और चुनाव कैसे रहे आप? बढ़िया रहे सर। क्या लगता है अब अगली बार भी धर्मवीर के ज्यादा? अच्छा, कौन से गाँव से? अटेली से आते हूँ। तो अटेली शहर में जीत? हाँ जी। कितनी मार्जिन, क्या कुछ? ये तो सर जी मैं थोड़ा कंफर्म नहीं कर पाता हूँ इस बात का जी। सारे दिन काम करते हैं? अच्छा, आप बैठो बैठो, आपका नाम सत्यनारायण, आप भी काम करते हैं? हाँ। कितने साल से कर रही हो? मन तो उड़ रहा है, तो थोड़ा दिन होगा, बाकी होगा 3 साल से ऊपर काम करते। अटेली से या कुछ गांव से? गांव चित्रडूंगरा। ठीक है, तो अटेली में? हाँ। तो लीड कितनी माने धर्मवीर की? 2.5 लाख खाली अटेली? हाँ, अकेली से पूरे इस सीट की बता रहा हूँ। नहीं, अच्छा है, बीजेपी का सीट निकल जाएगी ऐसे यहाँ से। तो आप भी अटेली? हाँ, अटेली से। अटेली में जीत रहे हैं? हाँ, बढ़िया, अच्छे से, अच्छे मार्जिन से। तो कितने निकल जाए, मतलब लीड कितनी माने खाली अटेली पूरे विधानसभा? नहीं, हम तो उसका तो नहीं आकलन कर पाएंगे, लेकिन अटेली से अच्छा रहा है बीजेपी का। और शहर में तो लगभग नारनौल लगा लीजिए, अटेली लगा लीजिए, नांगल चौधरी लगा लीजिए, इसमें तो बीजेपी का ही अच्छा रुझान है। अगर 3 जगह से जीत रहे तो फिर हार बिल्कुल शोर। शहर में बीजेपी के अलावा मेरे हिसाब से कांग्रेस का कोई जनाधार है नहीं। धर्मवीर का कोई फैक्टर था नहीं, सिर्फ मोदी के ही डिपेंड, बस उसी के ऊपर ही वोट जा रहा है। इंद्रजीत जो रैली करके वो नहीं, वो मानते हैं काफ़ी प्रभाव रहता है डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में, हरवाल के क्षेत्र में राव साहब का काफ़ी है, लेकिन उससे बढ़िया ही है बीजेपी के लिए, और सबसे बढ़िया। अलग अलग कह रहे हैं भाई ने 70 बता दिए, कह रहा था 50, एक कह रहा था 25, एक कह रहा है 35, यहाँ से लीड ले। आपके आकलन किया क्या आइडिया? सर ऐसी तो हमारी कोई फील्ड नहीं है कि एग्जैक्ट कुछ बता पाए, नहीं कोई, मैं तो कोई नहीं कहूँगा, कोई आइडिया नहीं दूंगा इस बारे में, पर मैं तो यही मानता हूँ कि अच्छी लीड करके और जीती जाएगी बीजेपी। धर्मवीर जी? हाँ, पक्का श्योर। कहाँ भागम भार हो? मैं तो अब घर में जा रहा था। अच्छा, कौन से गांव से? मासर से। घड़ी मासर? घड़ी मासर। काफ़ी बड़ा गांव है? छोटा गांव है। कितने की पोलिंग हो गई? पोलिंग अब गए तो 533 हुई है। कम ही वोट हुए हैं, क्या लग रहा है? सारे वजन है। क्या लग रहा है, किसको बदल रहे हैं? हमारे गांव में तो बीजेपी के हैं जी। क्या बात है जी। अच्छा, बीजेपी के ये इंद्रजीत की वजह या मोदी की? मोदी की वजह से है। तो 400 कुछ वोट पोलिंग? नहीं, 533 गए हैं। तो कितने? 150 वोट हो इधर उधर हैं, बाकी बाकी इनके बीजेपी के ही हमारे गांव में। तो क्या मार्जिन लग रहा है अटेली से, कितने मार्जिन से जीत रहे, क्या लग रहा है? पर इतना तो बड़ी जीत नहीं होगी जो पहले थी वो, लेकिन जीत तो होगी। हाँ, अटेली से जीत के निकलेगा। हाँ, यहाँ पर आएगा 20-25 हज़ार वोटों से तो जीतेगा। तो हमारे साथ ये अटेली के लोग बने हुए हैं खास बातचीत में, तस्वीरें देख लीजिए। तो हम अटेली शहर में मौजूद हैं और यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी करवा रहे हैं, और ये पूरा माहौल यहाँ पे बाजार है। कुछ लोगों से आकलन लिया, अलग अलग गांव के लोग हमें यहाँ पे मिले हैं, और अलग अलग लोगों के गाँव के लोगों से हमने बातचीत की है। तो हमारा छोटा सा एक प्रयास था, एक आकलन जाने का, लोगों से रूबरू बात करवाने का, लोगों से रूबरू होकर बातचीत करने का। तो कुछ लोगों से, अलग अलग गांव के लोगों से प्रतिक्रिया की है, बाइक वाले भाई से पूछा है, और बाकी लोग आ रहे थे उनसे बातचीत की है। तो एग्जिट पोल तो आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग धर्मवीर की यहां से जीत बता रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।